नारायण सहरा है, मैं समस्त जगदीशा क्षेत्र का सरपंच हूँ। और यहाँ पर जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं है, ओनली आधार कार्ड है, आधार कार्ड से उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और उनकी कोशिश की जा रही है कि उनके लिए राशन कार्ड बनाए जाएँ। और पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है, यहाँ के जो हमारे सामाजिक लोग हैं, कार्यकर्ता, वो भी लगे हुए हैं और हम लोग जनता की मदद कर रहे हैं। और भोले शंकर कैन भी हमारे साथ में, उनका भी बड़ा अच्छा योगदान है। इस तरह जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनता में जिनके पास आधार कार्ड है, राशन नहीं मिल पा रहा, तो उनको भी राशन मिला है। हम इस तरह की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि बिना राशन कार्ड वालों को कोई भी लाइन में नहीं लगा। हाँ, राशन कार्ड राशनहीन लोग सर, राशनहीन लोग हैं, उनकी हम व्यवस्था कर रहे हैं किसी तरह पुलिस प्रशासन से मिलकर कि भाई ये लोग भूखे ना रहे, इनको भी व्यवस्था की जाए। यहाँ पर लॉकडाउन के द्वारा जो लोग फंसे पड़े हैं और जिन राशनहीन हैं, जिनके राशन कार्ड नहीं हैं, उन लोगों के सामाजिक संस्थाओं के लोग और मैं क्षेत्रीय पुलिस के सहयोग से, मैं क्षेत्रीय पूर्व पार्षद रहा, पार्षद दल का नेता रहा हूँ यहाँ क्षेत्र से, 15 साल सभासद रहा। नाम क्या आपका? मेरा नाम बहादुर सिंह है। और सभी लोग मिलकर के जो राशनहीन लोग हैं, जिनके राशन कार्ड नहीं हैं, जो किराएदार हैं, ऐसे लोगों के नाम चढ़ा करके उनके नए राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था जो शासन द्वारा की जा रही है, उसको कार्य को कराया जा रहा है। ठीक है, वो जो लोग बचे हुए वो लोग दिया जाए। तो मैं अपनी गाड़ी क्या हो रहा है माता जी, गाड़ी आई हैं आप? राशन कार्ड बनवाने आई हैं, राशन लेने आई हैं? ये देखो, कोई कुछ कह रहा है तो अपने घर से। आपने क्या सुना? बस से कह रहे कि राशन मिला, यहाँ की सुनी कि राशन कार्ड बन रहे, राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे राशन मिलेगा, इसलिए आपकी सूची बनाई जा रही है। जितने मेंबर है उसके हिसाब से नाम लिखा जाएगा, उन लोगों को उतना राशन मिलेगा आपको। ये आपके अंदर गलत फहमी मत लाइए कि आपको राशन कार्ड बनने के लिए लाइन लग रही है यहाँ पे। ठीक है, और किसी को भी मत बोलिएगा ये बात। अब हमें तो पता नहीं, तो हमें तो पता है जैसे ही हम चले। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।